दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई कितनी होती है? शायद आप में से बहुत से लोगों को इसका एक्यूरेट जवाब नहीं मालूम होगा। दरअसल भारत में जितनी भी ट्रेन्स होती हैं, चाहे वो मालगाड़ी हो या फिर सवारी गाड़ी, उन सभी की एवरेज लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर तक की होती है। लेकिन क्या आपको यकीन होगा अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसी ट्रेन है जिसकी लंबाई मीटर में नहीं बल्कि किलोमीटर में है, वो भी एक या दो किलोमीटर नहीं बल्कि 8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। सिर्फ इतना ही नहीं, इतनी लंबी ट्रेन में 600 से भी ज्यादा डब्बे मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कुछ सबसे लंबी ट्रेन्स के बारे में बताएंगे। इतनी लंबी ट्रेन्स कि आपको एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए घंटों का समय लग जाए। 800 से भी ज्यादा डब्बे सिर्फ एक ट्रेन को खींचने के लिए, 10 रेलवे इंजन, लाखों टन का वजन और 8 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबाई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये ट्रेन चलती होगी तो उसका नजारा कितना भयंकर होता होगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन के इस अनोखे सफर को। और हमारी इस लिस्ट में एक ट्रेन भारत की भी है जिसकी लंबाई है 4 किलोमीटर, द रियो टिंटो रेलवे। ऑस्ट्रेलिया में एक खदान मौजूद है जिसका नाम है रियो टिंटो, और उसी खदान का अपना एक प्राइवेट रेलवे है जिसका नाम है रियो टिंटो रेलवे। रियो टिंटो रेलवे में किसी यात्री को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए ट्रेन को नहीं चलाया जाता है, बल्कि वहां की खदान में जो भी मटेरियल निकलते हैं उसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए रियो टिंटो रेलवे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस वक्त रियो टिंटो माइनिंग कॉरपोरेशन के अंदर 200 से भी ज्यादा लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि रियो टिंटो रेलवे के अंदर कोई भी ट्रेन ऐसी है ही नहीं जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर से कम हो। यही वजह है कि रियो टिंटो रेलवे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा प्राइवेट रेलवे कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खदान से निकले हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लाना होता है। खैर, ये तो हो गई 2 किलोमीटर वाले ट्रेन की बात, लेकिन अब हम आपको जिस ट्रेन के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। दोस्तों, ये लंबी ट्रेन कहीं और की नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जिसका नाम है बिलिटन आयरन ओर ट्रेन। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई 7.29 किलोमीटर है, यानी कि 7 किलोमीटर और 290 मीटर। अगर भारत में चलने वाली मालगाड़ी से इस ट्रेन की तुलना की जाए तो लगभग 10 गुना अधिक लंबी ट्रेन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रेन एक बार में 82,000 मीट्रिक टन से ज्यादा सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। और तो और, इतनी लंबी ट्रेन में कम से कम 402 डब्बे मौजूद होते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन डब्बों की संख्या 700 से भी ज्यादा कर दी जाती है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए आखिर इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इतनी लंबी ट्रेन को खींचने के लिए अब तक कोई इंजन तैयार ही नहीं हुआ है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया में इस लंबी ट्रेन को खींचने के लिए 8 जनरल इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि एक ट्रेन को खींचने के लिए 8 डीजल इंजन का इस्तेमाल, और वो भी सबसे मजबूत इंजन। और उससे भी अधिक हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़ी रेलगाड़ी को खींचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लगभग 10 घंटे बाद 300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। दरअसल इतना अधिक भारी भरकम होने की वजह से इस ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। जब आप इस लंबी रेलगाड़ी को चलते हुए देखेंगे तो यकीन मानिए, आपकी निगाहें थम जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की इस रेलगाड़ी को दुनिया का सबसे भारी भरकम रेलगाड़ी कहा जाता है। यूनियन पैसिफिक ट्रेन। दोस्तों, यूनियन पैसिफिक ट्रेन रेलगाड़ी की वो संस्था है जो यूरोप में रेलगाड़ियां चलाती है, और अपनी रेलगाड़ियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीजल का इस्तेमाल नहीं करती। यूनियन पैसिफिक ट्रेन के अधिकतर ट्रेन तो ऐसे हैं जिसे आज भी भाप के इंजन से चलाया जाता है, और कभी कभी कोयले से चलने वाले इंजन के द्वारा। यही वजह है कि यूनियन पैसिफिक ट्रेन में जितने लोग यात्रा करने नहीं जाते, उससे अधिक लोग तो सिर्फ इस ट्रेन को देखने के लिए जाते हैं। ये घटना साल 2010 की है, जब यूनियन पैसिफिक ट्रेन के कुछ कर्मचारी देखना चाहते थे कि एक इंजन की मदद से कितने लंबे ट्रेन को खींचा जा सकता है। दरअसल ऐसा करने से उसकी भारी भरकम बचत होने वाली थी। यही वजह है कि उसने एक मालगाड़ी ट्रेन में डब्बों को जोड़ जोड़ कर उसकी लंबाई 6 किलोमीटर से अधिक कर दी। हैरानी की बात तो यह है कि ये ट्रेन का इंजन पूरी तरह से कोयले से चलने वाला इंजन था। आखिरकार वो दिन आ गया जब इतनी लंबी ट्रेन को कोयले से चलने वाले इंजन की मदद से खींचा गया, और यूनियन पैसिफिक ट्रेन भी दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन्स
की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा ली। अब हम आपको उस ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने भी नहीं तोड़ा। सिशेन सल्दाहा ट्रेन। साल 1989 में साउथ अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारियों ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, जब उन्होंने सबसे भारी और सबसे लंबी ट्रेन को चलाकर रिकॉर्ड बनाया। इतनी लंबी ट्रेन को करीब 800 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेन में 660 से भी अधिक डब्बे जोड़े गए थे और इस ट्रेन को खींचने के लिए 9 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का इस्तेमाल किया गया था और साथ में इमरजेंसी जैसी स्थितियों से निपटने के लिए 4 डीजल इंजन का भी इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 7 साल लंबा प्लान तैयार किया गया, यानी कि आप अफ्रीका ट्रांसपोर्ट सर्विस 7 साल से प्लान कर रहे थे कि दुनिया के सबसे लंबे ट्रेन को कैसे तैयार किया जाए। जिसके बाद साल 1989 में अफ्रीका के लोगों ने इस ट्रेन को चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। दरअसल इस ट्रेन की जो लंबाई है वो 8 किलोमीटर के लगभग थी, यानी कि अगर आप ट्रेन के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो आपको 2 घंटे से भी अधिक का वक्त लग सकता है। खैर, ये तो हो गई विदेशों की सबसे लंबी ट्रेन की बात, लेकिन हमारे भारत में भी एक ट्रेन ऐसी है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से ज्यादा है। आपने बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि अब तक इस ट्रेन के बारे में नहीं जानते होंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं भारत की सबसे लंबी ट्रेन के बारे में। इंडियन रेलवे। कोरोना काल में रेलवे ने अधिकतर ट्रेन को बंद कर दिया था, लेकिन रेलवे ने इसका फायदा उठाते हुए बहुत से नए रिकॉर्ड बना दिए। इसी सिलसिले में भारतीय रेलवे ने 295 रोगियों को जोड़कर और 5 इंजन की सहायता से 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन को तैयार कर दिया और भारत के सबसे लंबी ट्रेन को छत्तीसगढ़ के भिलाई से कोरबा तक चलाया गया। जब इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था तो उसे देखने वाले लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी भी लंबी ट्रेन हो सकती है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन को खींचने के लिए 5 इंजन लगाए गए। 5 इंजन के बीच बेहतरीन तालमेल के लिए इनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से जोड़ा गया। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन का नाम वासुकी रखा है। भारतीय रेलवे इससे पहले भी लंबी ट्रेन को चला चुकी है जिनका नाम था एनाकोंडा और शेषनाग। रेलवे के इन प्रयासों से कम अधिक माल को पहुंचाने में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय रेल में जितने भी मालगाड़ियां मौजूद हैं उनकी लंबाई को और अधिक बढ़ाया जाएगा। कम समय और कम लागत, अधिक सुविधाएं और बेहतर सुरक्षा के कारण भारतीय रेल देश में माल ढुलाई का पसंदीदा साधन बनती जा रही है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि चाहे भारत हो या फिर विदेश, वहां पर सवारी गाड़ी को इतना लंबा क्यों नहीं बनाया जाता है? सवारी गाड़ियां इतनी छोटी क्यों होती हैं जबकि भारत में तो सवारियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, रेलगाड़ियां कम पड़ जाती हैं। दोस्तों, भारत में तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके प्लेटफॉर्म की लंबाई 650 मीटर तक की होती है। वैसे में अगर किसी सवारी गाड़ी की लंबाई 650 मीटर से अधिक कर दी जाएगी तो उसका पीछे का भाग या फिर आगे का भाग प्लेटफॉर्म से आगे निकल जाएगा और ऐसी स्थिति में अगर कोई सवारी बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन पर चढ़ने या उतरने की कोशिश करता है तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यही वजह है कि भारत में जितने भी सवारी गाड़ियां होती हैं उनकी लंबाई सिर्फ 650 मीटर तक ही रखी जाती है। मालगाड़ी को अधिक लंबा बना दिया जाता है क्योंकि मालगाड़ी सामान्य रेलवे स्टेशन पर कभी नहीं रुकती। मालगाड़ियों को रुकने के लिए अलग से बहुत सी बड़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही दुनिया के अन्य देशों में भी है, जहां के रेलवे स्टेशन पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लंबाई 600 मीटर से 800 मीटर के लगभग होती है। यही वजह है कि किसी भी सवारी गाड़ी को इससे अधिक लंबा नहीं बनाया जाता है और अगर सवारी गाड़ी को इससे अधिक लंबा बनाने की कोशिश की गई तो भारतीय रेलवे को भारत में जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं उन्हें तोड़कर पहले उसको लंबा करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। देखने के लिए शुक्रिया।